हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आई होप आपने जयपुर का पार्ट वन और पार्ट टू एंजॉय किया होगा। आज मैं कोशिश करूंगा जो भी जयपुर में पार्ट्स रह गए, जो चीज़ें दिखाने की रहेगी, वो चीज़ मैं कवर करूंगा और आप एंजॉय करिए सारा वीडियो, ठीक है। और अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप एंजॉय करिए इस वीडियो को, ठीक है। तो भैया जी, मैक्सिमम चीज़ें मैंने जयपुर की कवर की। अब मैं थोड़ा सा मार्केट वाला एरिया दिखाता हूँ आपको, क्यों इस शहर को पिंक सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि दोनों रोड के दोनों साइड जो शॉप्स हैं वो गेरुआ कलर से या फिर पिंक कलर से आप बोल सकते हो, इस तरीके से बने हुए हैं एक्चुअली, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये शॉप एक ही जगह, पूरे मार्केट में, पूरे जयपुर शहर में मैक्सिमम जो घर हैं इस तरह के बने हुए हैं, और वो पता नहीं कब से बने हुए हैं, और पेंट उनका जो ये कलर होता है गेरुआ, पूरे शहर में इस तरीके से ही आपको मिलेगा। तो इसीलिए इसको पिंक शहर, एक्चुअली मैं भी अवेयर नहीं था इस चीज़ से, जब वहाँ पर जाके देखा तो ये कौन से शहर में आ गया भैया, बिल्कुल अजूबा था मेरे लिए एक्सपीरियंस। तो आप देखिए इसे पूरा का पूरा, दोनों साइड आप देखेंगे तो जो शॉप्स बने हुए हैं, नाम लिखा हुआ है एक्चुअल में कौन सी शॉप है, किस चीज़ की है, लेकिन जो कलर है उनका वो सेम कलर है, ठीक है। तो देखिए आप भी इंजॉय करिए इस वीडियो को, ठीक है। तो गाइस, बहुत बेहतरीन शहर है जयपुर, तो ज़रूर आप भी जब कभी टाइम लग रहा है तो एक बार जाइए। और मैंने कोशिश की है आपको सारी चीज़ें दिखाने की, बट खुद से जब देखो ना आप तो वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। पहले मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह देखी थी, बट अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, जो अपनी आँखों से देखना, उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है एक्चुअली। फिर भी मैंने कोशिश की आप लोगों को मैं वर्चुअली दर्शन करा सकूँ जयपुर शहर के बहुत बेहतरीन तरीके से। आई होप आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ कि गेरुआ कलर के, वही सारी चीज़ें पूरे मार्केट में आपको इस तरह से दिख जाएंगी, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन शहर लगा मुझे, मतलब एक नया नहीं, पुरानापन जो चीज़ होता है, एक पुराना जो शहर होता है, वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, है ना। ये लेफ्ट साइड में देखोगे आप यहाँ पे तो हवा महल है, इस रोड से मतलब पूरी जो एरिया है ना वहाँ पे ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये शाम का दृश्य है जयपुर का, जो शाम, जो पिंक सिटी है उसका शाम, जो इवनिंग वाला जो टाइम होता है वो वाला दृश्य, इतना बेहतरीन व्यू यहाँ से दिख रहा है। तो मैंने कोशिश की वीडियो में बनाऊँ और आप तक शेयर करूँ ये चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर दिखाऊँ तो आपका थोड़ा सा कोशिश की मैंने नाइट का व्यू मैं आपके लिए ले लूँ, और ताकि देख पाओ आप किस तरह से डे टाइम पर चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पर जयपुर में। एक कहावत है, जब दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, वही ये जो दही बड़े बनाए थे बहुत बेहतरीन थे, तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को खाने से और वीडियो बनाने से। गाइस, ये है जीटी मॉल, वहाँ पे जयपुर में एक मॉल है जीटी मॉल। उतना रश अच्छा खासा, लेकिन जो बनावट उसकी थी इस तरह से जो NCR में होते हैं इस तरह के नहीं बना हुआ था एक्चुअली। थोड़ा मीना मार्केट वाला जो इस तरह का एरिया होता है ना, मीना मार्केट टाइप का जो उस तरह का बना हुआ है, थोड़ा बाहर भी हैं आउटलेट्स हैं आपके, जो बच्चों के लिए गाड़ियाँ वगैरह रहती हैं वो भी हैं वहाँ पे, लेकिन थोड़ा शॉप इस तरह से शहर के हिसाब से शायद मुझे लगता है कि मॉल्स वगैरह बनते हैं, तो उसी हिसाब से मॉल्स बने हुए हैं वहाँ पे। और ज़्यादा ये लगता है कि मॉल नया बना हुआ है एक्चुअली, तो ज़्यादा शॉप्स अभी ओपन नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। और दो मॉल्स हैं एक्चुअली दोनों जीटी के, एक रोड के आसपास दोनों जीटी मॉल हैं, ठीक है। तो इस तरह के से मीना बाज़ार वगैरह ये सारा इस तरह से था मार्केट इसका। ये जो एरिया है इसका, ये है किड्स के लिए जो प्ले जोन होता है, तो ऑलमोस्ट सारे मॉल्स में जो गेम्स होते हैं वो सारे गेम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बच्चे अच्छी खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें हैं बाइक रेस के लिए आप के लिए है, या फिर इस तरह से वेट लिफ्टिंग, वेट कमाने का जो गेम्स रहता है, और किड्स के लिए जो गेम रहते हैं वो सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। तो ऑफकोर्स आपके किड्स आ रहे हैं आपके साथ तो बोर्ड नहीं होंगे। और इसके अलावा गो कार्डियो जो रहता है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप इसे भी इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बेहतरीन शहर है उसके साथ में, ये जो एरिया है थोड़ा नया जयपुर कह सकते हैं हम इसको, जो जीटी मॉल वाला एरिया है, ठीक है। तो बेहतरीन ऑप्शन है किड्स के लिए, तो आप जाएँ तो बच्चों को ले जाएँ साथ में, इंजॉय करेंगे वो प्ले जोन में, ठीक है।
एक यूनिक शॉप दिख रही है मुझे और इसका नाम है बड़ा पाव मिस्त्री। भैया जी हवा महल के पास में हमारे एक भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? जी क्या क्या मिल जाता है शॉप में आपकी? जूती है, चप्पल है। हाँ ठीक है जी जी। क्या प्राइस रेंज होगा इसका? अलग अलग होता है। ठीक है, और फिक्स प्राइस रहता है कि बार्गेनिंग भी रहती है? रहती है। ठीक है, तो भैया जब भी आए जयपुर, शॉप का नाम क्या है भैया आपके? जयपुरी नागा शूज जी। जयपुरी नागा शूज स्टोर है। ठीक है, जयपुरी नागा शूज स्टोर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आइए आप यहाँ पे, मैंने भी कुछ शॉपिंग की है भैया, डील पसंद आई भैया हमें, बहुत बेहतरीन शॉप है, आइए भैया से मिलिए। ठीक है, और तो शॉपिंग करिए भर भर के आप। ठीक है, और भैया डिस्काउंट वगैरह मिलेगा? हमारे नाम लेके बोलेंगे भैया, सफरनामा चैनल बोल दें और ये जगदीश पाटिल बोलेंगे भैया, कुछ डिस्काउंट वगैरह भी आपको दे देंगे। तो आइए, सारी चीज़ें हैं जेंट्स लेडीज के लिए, सारी चीज़ें बेबीज के लिए भी हैं शॉप्स वगैरह, तो आइए आप शॉपिंग करिए भर भर से। हवा महल में के पास में एक शॉप है और जहाँ पे मैंने भी कुछ शॉपिंग की है, सर से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देव कुमार है। जी देव जी, आपके यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल जाएंगी? हमारे यहाँ जयपुर की प्रसिद्ध साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल, रजाई 100 ग्राम की बनती है जी, शर्ट्स, लोअर, एवरीथिंग। जी जी, और क्या प्राइस रेंज रहेगा इसका? प्राइस रेंज बिल्कुल लोअर है, 300 से लेकर स्टार्टिंग होती है, जैसा फिर आप लेना चाहो। जी 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 जी, तो डिस्काउंट फिक्स प्राइस रहता है फिर बार्गेनिंग वगैरह कर लेते हैं जी। तो गाइज आइए आप यहाँ पे, जो शॉप है ये हवा महल जो है उसके अपोजिट साइड में है। ठीक है, सारी चीज़ें गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, सर बता रहे हैं कि इसके अलावा बार्गेनिंग अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं, जैसा भी प्राइस आपको फिक्स लगे तो उसके हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने भी कुछ शॉपिंग की, आपको दिखाएंगे ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो आइए, ज़रूर आइए आप यहाँ पे। तो सर हमारा चैनल है सफरनामा, जगदीश पाठक नाम है हमारा, तो अगर कोई रेफरेंस दे हमारा तो कुछ डिस्काउंट देंगे उनको आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, आइए गाइस यहाँ। हाँ, जब हम जवाहर सर्किल को जाते हैं तो एक और मॉल पड़ता है यहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, ये भी बहुत बेहतरीन मॉल है बड़ा सा। भैया जी नारियल तो किया है हमने, ठीक है वो तो नॉर्मल है, इतना बड़ा ये है जवाहर सर्किल। ठीक है, मूवी की शूटिंग वगैरह होती है यहाँ पे, और ये एरिया है बड़ा खूबसूरत सा। एक्चुअली मेरे प्लान में था नहीं ये, बट हुआ क्या कि मैं लोकल से पता चला था कि यहाँ पे है इस तरह की चीज़ें फेमस, तो भैया हम कैसे छोड़ देते चीज़ जयपुर में फेमस, और हम ना पहुँचे वहाँ, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो हम आ गए भैया यहाँ दौड़ते कूदते। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं ये क्या क्या है यहाँ पे, किस तरह से शूटिंग होती है। एक जो पता चला है यहाँ पे नाइट शो भी होता है शाम को 7:30 से 8:30, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं उतना टाइम रुक पाऊँगा क्योंकि कल निकलना भी है मुझे। तो लच्छी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, और अंदर फाउंटेन्स वगैरह भी है, मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें दिखाने की यहाँ पे। ठीक है, बारिश हुआ तो उसके से मौसम बड़ा सही सा हो गया और अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे, देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसी है जवाहर सर्कल का जो बाहर वाला एरिया दिखाया था मैंने, उसके बीच में अगर जाते हैं तो इस तरीके से इसका बनावट है, बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। यहाँ पे नॉर्मली मूवी की शूटिंग वगैरह रहती हैं, होती हैं यहाँ पे। ठीक है, और अच्छा खासा रस है यहाँ पे, अच्छा खासा क्राउड था, मैंने वीडियो लाइव्स बनाने की कोशिश की, यहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने कोशिश की आपको बेहतरीन जयपुर दिखाने की। ठीक है, और ये इवनिंग का दृश्य दिखाया कुछ मैंने, फिर वीडियो लाइव्स मैंने बनाने की कोशिश की यहाँ पे, जो ढलता सूरज था उस वक्त के लिए। जीवन में ना बहुत सारे साथी इसी तरह आते हैं और इस तरह बिछड़ जाते हैं, तो इसी तरह चिड़ियों ने बहुत बेहतरीन हमें दिखाया था एग्जांपल एक्चुअली। तो इसके बाद दूसरे दिन मैं वापस चला दिल्ली की ओर, तो सफ़र वापस जाना था दिल्ली, तो फिर मैं निकल गया दिल्ली को। एक ब्रेक लिया है, यहाँ पर नाम है सापुरा, अब यहाँ से दिल्ली रह गया है 200 किलोमीटर, 80 किलोमीटर मैंने कवर किया। आज थोड़ी ठंड भी लगी है थोड़ा मौसम के लिए, और थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लेता हूँ और चाय वगैरह भी पी लेता हूँ। ठीक है, तो ब्रेक लिया हुआ चलते हैं। ठीक है, थोड़ी ठंड भी लगने लगी है, तो ये मतलब ये पिछले मैंने पहना हुआ उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही है, मतलब हल्का हल्का जो हो रहा है ना, थोड़ा मीठा मीठा वाला ठंड भी होती है शुरू हो गई। एक बेहतरीन सफ़र के साथ में वापस आ गया जी, दूसरा ब्रेक लिया है मैंने निमराना के पास में है, अब दिल्ली रह गए यहाँ से लगभग 120 से 15 से 20 किलोमीटर के लिए आ गया।
भैया जी गुड़गांव में हम थोड़ा सा रुके थे, रुके इसलिए थे कि यहाँ पे हमारे दद्दा का हो या फिर गुरुजी का हो या मेंटर का हो या फिर कुछ भी हो वो रहते हैं, तो उन्हें बोला था कि मिल के जाना, बट अभी 11:30 तक हो रहा है, उनका भी ऑफिस शुरू हो गया, मैं भी थोड़ा सा टायर्ड हो गया क्योंकि दूर से सना हुआ है, तलम्बर ड्राइव था तो थका हुआ हूँ। मेरा वीकेंड को कभी मिलते हैं, ये रेडिसन मॉल है और रेडिसन होटल सॉरी, और ये सामने एम्बियंस मॉल है ठीक है, और ये है दिल्ली टू गुड़गांव टू दिल्ली वाला है, अभी ये सामने हो गया ठीक है, फिर कभी मिलाते हैं दादा से आपको। अभी फ़िलहाल हम भी थोड़े थके हुए हैं, अब 25-30 किलोमीटर का सफ़र और रह गया, करते हैं इसको पूरा ठीक है, चलो मिलते हैं भैया आगे, क्या कहते हो ठीक है। इन खूबसूरत यादों के साथ जयपुर का ट्रिप यहीं ख़त्म करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि जब मौका लगेगा ज़रूर जब दोबारा जाएंगे हम। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल डे, बाय, टेक केयर हाँ।